दोस्तों भारत में होली का त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। वहीं भारत में लोग होली के त्यौहार की 15 दिन पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। इस होली की वजह से मार्केट भी धीरे धीरे होली के रंगों में सजने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी होली से मिलते जुलते त्यौहार मनाने की परंपराएं हैं? हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग देशों में इसके रंग अलग है। कहीं ये रंगों से खेली जाती है तो कहीं कीचड़ से, कहीं पानी से तो कहीं टमाटर से, जिन्हें देखकर लगता है रंग एक नहीं बल्कि हजार हैं। तो आइए दोस्तों आपको दुनिया के अलग अलग देशों में बिखरने वाले होली के इन हजार रंगों से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मेकोंग के नाम से पानी का फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे इस फेस्टिवल को थिंग यान भी कहते हैं। यह मेकोंग फेस्टिवल म्यांमार के नव वर्ष पर मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में देश के सभी लोग भाग लेते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग और पानी की बौछार करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि आपस में एक दूसरे पर पानी डालकर पाप धोए जाते हैं। नंबर 2, भारत की होली की तरह ही दक्षिण कोरिया में बोरियोंग मठ फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान कीचड़ का पुल बनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को कीचड़ में डुबोते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं। इसके साथ ही रंगों वाली कीचड़ से भी लोगों को रंगा जाता है। फेस्टिवल के दौरान लोग म्यूजिक और खेल कूद का भी मजा लेते हैं। वहीं दोस्तों इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इस फेस्टिवल के दौरान जिस कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता है वह मिनरल से भरपूर होता है। यह कीचड़ स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 3, दोस्तों कहीं रंगों की होली होती है तो कहीं शराब की होली होती है। स्पेन के ला रियोजा प्रांत के हारो शहर में वाइन की होली खेली जाती है और लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। यहाँ इस पार्टी की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है और यहाँ एक दिन में लाखों लीटर वाइन बर्बाद हो जाती है। नंबर 4, दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर होली मनाई जाती है, उसी प्रकार से इटली के एक शहर इडविया में 3 दिन तक संतरे की लड़ाई होती है। यहाँ इस फेस्टिवल को इतालवी संतरे की लड़ाई कहा जाता है। यहाँ इस फेस्टिवल के पीछे की कहानी ऐसी है कि एक बार 13वीं सदी में इडविया के शासक ने एक लड़की की शादी से पहले उसका रेप करने का प्रयास किया, लेकिन उस लड़की ने इस शासक का सिर काट दिया। तब पूरे शहर ने खुशियां मनाकर इस लड़की का उत्साह बढ़ाया। तब से यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में संतरे की लड़ाई हर साल होती है। नंबर 5, दोस्तों ग्रीस में भी भारत जैसी होली मनाई जाती है, लेकिन ये काफी अलग होती है। इसमें लोग एक दूसरे पर आटा फेंककर लड़ते हैं। इस फेस्टिवल को यहाँ क्लीन मंडे फ्लोर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले लोग चेहरे पर ब्लैक चारकोल लगा लेते हैं और फिर आटा फेंककर लड़ते हैं। आटे की इस विचित्र लड़ाई के बाद यहाँ कई दिन लग जाते हैं सड़कों को साफ करने में। नंबर 6, थाईलैंड में बौद्ध कैलेंडर के हिसाब से नए साल के मौके पर सोंग्रन फेस्टिवल मनाया जाता है। यह सोंग्रन फेस्टिवल होली की तरह है, बस यह रंगों के स्थान पर पानी का प्रयोग होता है। हर साल 13 से 15 अप्रैल तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर जमकर पानी फेंकते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दूसरे पर पानी फेंकने से पाप भूल जाते हैं। इस फेस्टिवल में लोग बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध भिक्षुओं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर भी पानी छिड़कते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नंबर 7, दोस्तों जिस तरह भारत में होली के फेस्टिवल पर चार तरफ रंगी रंग नजर आते हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में होली के फेस्टिवल की तरह चिंचला मेलन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में चारों ओर तरबूज दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे दूसरे देशों की होली जो भारत की होली जैसी लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 7 देशों में भारत जैसी होली मनाई जाती है, बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ भारत जैसी होली तो मनती है लेकिन वो काफी अलग होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।